कहानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार। आज की कहानी एक तारा प्रकाशन से, चुप मतलब चुप, इसे लिखा है स्वयं प्रकाश ने। पनवाड़ी नाजी लाल बहुत दिनों से अपने बचपन के दोस्त हांजी से कह रहे थे कि यार, हम कभी हवाई जहाज में नहीं बैठे, अब तुम पायलट बन गए हो तो एक बार हमें भी आसमान की सैर तो करा दो। आखिर एक दिन नाजी ने कहा, अच्छा चलो, हमारी अम्मी भी बहुत दिनों से कह रही हैं कि हवाई जहाज की सैर करा दो, तो तुम भी चले चलना, आज हम तुमको भी आसमान की सैर करा देते हैं। नाजीलाल खुश खुश हवाई जहाज में चढ़े, लेकिन चढ़ते ही उन्होंने नाजी से तरह तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए। ये बटन काहे के लिए है, वो लाइट कहाँ से जलती है, हमें घंटी बजाना हो तो कौन सा बटन दबाएं, वगैरह। हाजी ने डपट कर कहा, कितने सवाल पूछते हो यार, हमारा ध्यान बट जाता है, हम जहाज चलाएंगे या तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। खबरदार, जो अब तुम एक शब्द भी बोले, तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी निकला तो तुम्हारी कसम हम हवाई जहाज को किसी पहाड़ से टकरा देंगे। नाजी चुप हो गए और सारी उड़ान के दौरान एकदम चुप ही रहे। जब हवाई जहाज उतर गया तो हाजी ने मुस्कुराकर पीछे देखा और नाजी से पूछा, कहो दोस्त, मजा आया। नाजी भरे बैठे थे, बोले, जब हवाई जहाज ऊपर उठने के लिए एकदम टेढ़ा हो गया और डर के मारे हमारा बुरा हाल हो गया, हम कुछ बोले, जब अचानक बाएं बाजू का दरवाजा खुल गया और खूब छपाटे से ठंडी हवा अंदर आने लगी, हम कुछ बोले, जब तुम्हारी अम्मी उड़ते जहाज के दरवाजे से बाहर फिका गईं, हम कुछ बोले, अब पूछते हैं, मजा आया। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।